गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। तो आज हम अपनी क्लास 8 का चैप्टर 14 अकबरी लोटा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। लाला जाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठडेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उनका आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया, मतलब वो घबरा गए। उनका यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊमल झाऊलाल जो हुए तिलमिला उठे। उन्होंने रोक के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगूंगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन? 7 दिन है या 7 वर्ष से, उनकी पत्नी बोलती है। तो लाला जवाहरलाल ने रोप के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन जैसे तैसे मैं यूँ ही बात बीत गए और रुपये का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपने सम्मान का था, मतलब अपनी साख का था। ठीक है, देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो उनके मन में अपने मन में वह क्या सोचेगी। वो सोचते हैं कि उनकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएँ सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गए। यह पहली बार उसने मुँह खोल कर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबा कर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुँह दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है यह सारी हेकड़ी से हाथ धोना। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हांस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से जाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आम शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, तो यह कहीं रुपये का घर है क्या कर सके। ऐसे उधेड़ बुन में पड़े लाला जाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी ले आई वह, लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो आप अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला जवाहरलाल को कभी भी पसंद ना था। था तो नया साल तो साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्लम रही हो। लाला ने लोट ले लिया, बोला कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को तो सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति जैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला जाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी गए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी, बनाई थी। कहना होगा ना होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। ठीक है, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊँचे ती मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में
घुसाई। लाला जवाहरलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक सिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सजाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला जवाहरलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकरा है। वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े इस अंग्रेज को उसने संगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला जवाहरलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोल कर खुला छोड़ दिया। लाला जवाहरलाल को आज ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवाशी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुसाए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जवाहरलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते पर लोटे के वार करे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक। ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला जवाहरलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने को भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। तो फिर वो कहता है, चलिए अंग्रेजी साहब जो है, अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जवाहरलाल तो चुप रहे, पर सामने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में सब भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पीकर उसकी जान बचाई थी। के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, पर इसी से वजू करता था। सन 1507 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कोलकाता के म्यूजियम जगह मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे है। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कौड़ी के आकर से बढ़कर पकौड़ी के आकर की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरना था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा, मेरे आपके। अंगूठा उसके आपका बुरता किया है, मेरा आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक किसका है? मेरा। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक थे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 दूंगा। मैं 150 रुपया देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका और ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की
ऊंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीन सुनते सुनते कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी, पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। रह गया, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम करा था, तो पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उस उड़ जाने दिया, नूर जहाँ ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे उसके भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निजावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूर जहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के प्रसिद्ध हुआ। उसी के मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात हाँ, पर अब मेरे आगे दुन की नहीं ले सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। रावलाल को 500 रुपये देकर अपनी रहा ली। जवाहरलाल का चेहरा इस समय देखना बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की फिट दाढ़ी का एक एक बाल मेरे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे 250 रुपये घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा इसमें लगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा 1 घंटा इसमें। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना है। एक ऐसा सुगत मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अधरान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बन गई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली का संदूक खोला। उसमें 250 के नोट जैसे के तैसे रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववर्त मतलब पहले अपनी पत्नी के गले में डाल दिया पहले की तरह। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने यह लिखा है। तो देखिए, अपने एक दोस्त ने अपने दोस्त की कैसे चतुराई से मदद करी। प्रश्न अभ्यास कहानी के बाद लाला ने लोटा ले लिया। बोले, कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला जवाहरलाल को लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। देखिए, लाला जवाहरलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा लिया क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वो पत्नी के तर्ज तरार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि तेज तरार, सॉरी, हम अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूँ कर दूँ तो कहीं बाल्टी में भोजन ना मिले। लाला जवाहरलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला जवाहरलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? तो देखिए, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भाप जाना। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई थी भीड़। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गई कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है ना। तो क्या करा उन्होंने? इस समय उनका चुप रहना ही ठीक था, इसलिए वो चुप रहे। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जवाहरलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जवाहरलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह न हो कि वह लाला जवाहरलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर कर किया था। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज की। देखा, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था, इसलिए उस जब उसे यह पता चला कि यह अकबरी लोटा है तो उसने क्या करा, बिलवासी जी के कहने पर 500 रुपये
मैं उसको लाला झाऊलाल से खरीदा। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा। मैं नहीं, बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही लिखिए। ठीक है, बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपये का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। लेकिन बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो उड़ी क्यों लिखे। देखिए, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब पत्नी अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे, तब ताकि वह चुपचाप संदूक में रखते उन पैसों को वापस। इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह के आपका तात्पर्य 7 दिन है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखे। देखिए, झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था, एक तो ये बात पता चलती है। दूसरा कि झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। उनकी पत्नी ने कहा पहले ही कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी उन्हें लाकर ना दिया होगा। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता? और यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए लाला झाऊलाल को देने पड़ते। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती। अगर ऐसा होता तो देखिए, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करते, पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। पता कीजिए, अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होता है, होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? उल्का, ये आपको क्या करना है, उल्का और पता करना है आपको ये। ठीक है, तो ये चीज़ तो अब क्या। और दूसरा प्रश्न क्या, इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मजेदार कहानी पढ़ी, लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से कहानी सच्ची या काल्पनिक, आपको ये भी पता करना है। अपने घर या किस कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी कोई मजेदार कहानी आपको बतानी है। बिलवासी जी कैसे रुपयों का प्रबंध किया, क्या वह सही था या फिर गलत था, आपको ये भी पता करना है। मुझे लगता है कि बिलवासी जी ने जिस तरीके से, वो गलत था क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अंग्रेज को उल्लू बनाया था। ठीक है, अब भाषा की बात है, क्या बोला है। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को रोचक बना दिया। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखे जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। क्या क्या लगे, एक तो अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके थे। दूसरी, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया। कहानी में से 5 मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य कीजिए। एक तो चैन की नींद सोना, मतलब निश्चिंत सोना। ठीक है, जब चोर पकड़ा गया तो सब चैन से सोए। आँखों से खा जाना, मतलब क्रोधित होना। परीक्षा में कम आने अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा जिससे वो आँखों से ही खा जाएंगी। आँख सेकने के लिए भी ना मिलना, मतलब दुर्लभ होना। आजकल तो हस्तकला से बनी वस्तुएं आँख सेकने के लिए भी नहीं मिलती। मारा मारा फिरना, मतलब ठोकरे खाना। अगर तुम अभी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बड़े होकर माने तो तुम्हें मारा मारा नौकरी के लिए मारा मारा फिरना पड़ेगा, ठोकरे खानी पड़ेंगे। डींगे सूंघना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना, अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए बच्चे ने बहुत सारी डींगे सुना दी। ठीक है, अदब अब क्या है, शिष्टाचार, लिहाज, डामल, फांसी, आजीवन कारावास का दंड, मुडेर, छत के आसपास बनाई जाने वाली दीवार को कहते हैं साहिबान, छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है, खुराफाती मतलब शरारती, गड़न मतलब बनावट, संगोपांग मतलब पूरी तरह ऊपर से नीचे तक, ईजाद मतलब खोज अन्वेषण, पार्सल मतलब पिछले, पारसाल मतलब पिछले वर्ष, तन्मयता मतलब मग्न हो जाना, अतीन मतलब अदृश्य। तो ये आप, ये था ये अंतर्ध्रान मतलब अदृश्य। तो ये था आपका अकबरी लोटा पाठ। मैं आशा करती हूँ कि आपका पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।